नमस्कार, आप देख रहे हैं आपको पल पल की खबरों से अपडेट रखने वाला देवास का अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ड्राइवर ने दिखाई सूझबूझ और सुने स्थान तक ले गया ट्रक, और देवास पुलिस के जवानों ने दिलेरी दिखाते हुए आग और विकराल रूप न ले इसलिए चढ़ गए ट्रक पर। ऊपर अपनी जान की परवाह किए बगैर एबी रोड पर बिलावली के समीप मक्सी बाईपास पर अचानक केमिकल से भरे ट्रक में आग लग गई। राहगीरों ने ट्रक ड्राइवर को बताया कि ट्रक में आग लग गई है, लेकिन उस वक्त मौके पर ट्रैफिक ज़्यादा था। ड्राइवर ने बहादुरी और सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ट्रक को आधा किलोमीटर आगे ले गया और साइड में सुने स्थान पर खड़ा कर दिया। वहीं सूचना पर नगर निगम की टीम ने दमकल के साथ मिलकर मौके पर पहुंची और ढाई घंटे से ज़्यादा समय के बाद आग पर काबू पाया जा सका। और आग पर काबू पाने में अपनी जान की परवाह किए बगैर देवास पुलिस जवानों ने खासी दिलेरी दिखाई। बताया जा रहा है कि ट्रक मुंबई से एक कंपनी से केमिकल लेकर कानपुर जा रहा था। इस दौरान देवास मक्सी बाईपास पर शाम करीब 4 बजे अचानक ट्रक में आग लग गई। ट्रक के पीछे से धुआं उठने लगा। कुछ ही पल में आग की लपेट दिखने लगी, लेकिन ड्राइवर को इसका एहसास नहीं था। राहगीरों ने ड्राइवर को बताया कि ट्रक में आग लग गई है। उस वक्त ट्रक भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजर रहा था, लेकिन ड्राइवर ने ट्रक को नहीं रोका। करीब आधा किलोमीटर दूर जलते हुए ट्रक को दौड़ाया, सुने स्थान पर सड़क के किनारे खड़ा किया। इस दौरान लोग ड्राइवर को ट्रक छोड़कर जल्दी उतरने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ड्राइवर बहादुरी और हिम्मत से ट्रक साइड में लगा रहा था। सुरक्षित स्थान पर ट्रक खड़ा करने के बाद ड्राइवर उतरा, हालांकि उसके साथ का क्लीनर पहले ही कूद चुका था। ट्रक ड्राइवर जुबेर अहमद ने बताया कि वह कानपुर का ही रहने वाला है, ट्रक भी उसका ही है। ट्रक में केमिकल के ट्रम और डिब्बे रखे थे। अचानक राहगीरों ने बताया कि ट्रक में आग लगी है। जुबेर ने बताया, भीड़भाड़ वाले इलाके में रोकता तो बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए जलते हुए ट्रक को सूने स्थान पर लेकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करना ही उचित समझा। वहीं सूचना मिलते ही देवास पुलिस और नगर निगम तथा बैंक नोट प्रेस की टीम मौके पर पहुंची। बीएनपी थाने में पदस्थ भूपेंद्र सिंह सहित अन्य जवानों ने भी अपनी दिलेरी का परिचय देते हुए आग पर काबू पाने की, यह आग भीषण रूप न तब्दील न हो जाए इसलिए स्वयं ट्रक पर चढ़े और आग बुझाने के जतन शुरू किए। आग बुझाने में करीब 2.5 घंटे से ज़्यादा समय लगा। आग पर 3 दमकल, 1 वाटर वाहन और बैंक नोट प्रेस की 1 दमकल के जरिए काबू पाया जा सका। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय नवाचार, देवास। कहते हैं लोग कि पुलिस कभी काम नहीं आती, ये देखिए हमारे प्रशासन ने कैसा सहयोग प्रदान करा है यहाँ पर, ये देखिए। लोग अक्सर कहते हैं पुलिस वाले बेकार, लेकिन आज अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिस वाले देखिए कैसे आग बुझाने के लिए तैयार हो। वीडियो है तुम्हारे को बनाई? अरे मैं रोड डेली आता हूँ यार। नहीं, अरे वीडियो बना लिया तुमने? कौन सा पहला वाले हो ना?
अरे भैया आया आग बुझाऊंगे रहे हो ये देखना नंबर ये आग लगने की अरे आग लगने की वीडियो मेरे कने वीडियो उसके मामा कब ट्रक पलटी के लगा बीचा भाई ने ट्रक पलटी खाएगा आग जगह जगह बिल्डिंग का मैंने पहले चला दी जगह पे आग लगी है कितनी फायर ब्रिगेड आई है और क्या है ये बक्सी बाईपास पे है और चार फायर आई है एक बीएनपी की है एक नगर निगम की है तीन क्वार्टर ला रही है एक ट्रैक्टर है क्या कैसे क्या काबू पाया कि नहीं पाया क्या ये ट्रक को पूरी तरह से काबू पा लिया है इसमें तीन चार प्रकार का सामान भरा हुआ है प्लास्टिक सामान है लोहे का है कुछ केमिकल्स भी है और इसे पूरी तरीके से आग को काबू पा लिया गया है और अभी वर्तमान में फायर कॉल जारी है क्या नाम है आपका मेरा नाम लक्ष्मण श्रीवास था कहाँ से कहाँ आ रहा था और क्या भरा था इसमें मुंबई से कानपुर जा रहा था हाँ केमिकल के कलवे थे हाँ ऊपर बर्तन सामान था हाँ कानपुर जा रहा था तो कैसे क्या सूचना मिली आपको ये पब्लिक ने बताया यहीं स्कूल के ब्रिज के पास कि पीछे से आग लग गई अच्छा फिर तो वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था तो हम इधर बढ़ा कर लेके आए किसका माल जा रहा था ये माल किसका माल जा रहा था अच्छा इंदौर से ना कानपुर जा रहा था बम्बई से कानपुर क्या नाम है आपका सुबह अहमद